फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा बर्थडे था कल, तो मैंने सैंडी की गुल्लक से, मैंने बोला मैंने अपने आप ही 2000 रुपीज निकाल लिए सैंडी की तरफ से, मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है सैंडी। सैंडी की स्माइल देखो, कह रहा तो मुझसे, कह रहा ये ज़्यादा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, 2000 तो होने ही चाहिए आज के टाइम में। तो आप ये तो नहीं बोला कि होनी चाहिए आज के टाइम पे। नहीं, मेरे हिसाब से होने चाहिए 2000 रुपीज़, है ना। फिर हाँ आपने कर ली, इसने बोला कि 1500 भी चलते, यानी कि 1500 भी चलते। तो ठीक है, मैं 500 वापस दे दूंगी, 1500 ले लूँगी। ठीक मम्मा है, पर 2000 लेने को नहीं, आप मतलब ठीक है, आप छोटे छोटे की तरफ से 1500 भी नहीं कहे, 2000 ले दूंगा मैं, ले लेना। ले लूंगा। आपकी गुल्लक खाली कर दूँ पूरी अपने लिए गिफ्ट समझ के? ये तो कुछ ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे दे सकता था अगर दो दो गुल्लक होती। अब ज्यादा पैसे तो ले लो। नहीं ले रही मैं। जब इसको शुरू में पता चला मैंने 2000 रुपये निकाले, कहते हाँ कल आपने केक खिलाया था, पिज्ज़ा खिलाया था, इतनी चीज़ें हमारे लिए, गन भी लाए थे गन वगैरह लाए थे। तो नहीं कहा, मैंने कहा उसकी पेमेंट नहीं है, गिफ्ट है। तभी 2000 आपने ले लिए ना। हाँ, उसमें से 500 वापस रख दूंगी। ठीक है ओके ठीक है। एक्चुअली क्या है, सैंडी अपने गुल्लक के पैसे कम शेयर करना चाहता है, तो मैं जस्ट उसके साथ प्रैंक कर रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए आपसे, आप ही गुल्लक से। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कि चेहरे की चमक। नहीं वाला तो वो ले सकते थे वैसे। नहीं, कोई बात नहीं। और अभी सैंडी हो रहा है स्कूल के लिए रेडी। ठीक है चलो रेडी हो जाओ, टी शर्ट पहनो। आप तो पहनो, आप ठीक है, आप टी शर्ट आप पहनो, कपड़े आज यूनिफॉर्म। तो या पलम की छत पहन ली। और फ्रेंड्स, आज है मम्मी जी का श्राद्ध, तो फिर जैसे श्राद्ध मनाते हैं तो अधिकतर ऐसी चीज़ें खाने में खिलाते हैं जो उन्हें पसंद हो। कुछ ऐसा सामान दिया जाता है, जैसे फीमेल है तो फीमेल के कपड़े दे सकते हैं, मेल है तो मेल के। तो हमने साड़ी निकाली है, मतलब जो पंडितानी जी आएंगे उनके लिए, और ये आम पापा जी लेके आए स्पेशली मम्मी जी की वजह से, क्योंकि मम्मी जी को मैंगो पसंद थे, वरना सीज़न नहीं था तो इतने कुछ खास तो नहीं मिले थे, लेकिन जैसे भी मिले पापा जी को लेके आए। प्लस बेसन के लड्डू थे। अब देखो हर चीज़ तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जो जो चीज़ बिल्कुल खास थी तो वो चीज़ पापा जी ने की। जैसे उनको बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, आम पसंद थे, और बनाना, जो बनाना तो वैसे भी दिया जाता है, जैसे कि मतलब और भी दिन श्राद्ध मने थे तो उनमें भी। और यहाँ पर ये आंटी हैं, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बहुत दूर से ली थी जूम करके, वो भी मतलब ये ना ऐसे अच्छा नहीं लगता, दूसरा इंसान कंफर्टेबल है या नहीं है वीडियोस के लिए, तो मैं सामने ले जाके एकदम कैमरा ले जाऊँ, तो वो चीज़ तो मैंने की साइड से छोटी सी एक क्लिप ले ली थी कि इस तरह से पंडितों को खिलाया जाता है। और फिर उसके बाद क्या था, संडे को स्कूल लेके जाना था, तो मैं बस यहाँ पर कपड़े आयरन कर रही थी, कुछ टाइम था हमारे पास यहाँ पर, तो फिर खाली टाइम में आयरन कर लिया। ऐसे ऐसे काम कुछ कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये सूट मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वही है हमारे आसपास क्या है कि जो फीमेल्स हैं ना घर में, वो भी स्टिचिंग करती हैं, तो काफ़ी फीमेल्स तो बहुत अच्छा है स्टिच कर लेती है, लेकिन मैंने ये एक अपनी जान पहचान की भाभी को दिया था, मुझे लगा शायद अच्छा स्टिच करके देंगे, क्योंकि वो जो खुद भी सूट पहनती है वो काफ़ी अच्छे पहनती है, मतलब देख के समझ में आता है कि स्टिचिंग अच्छी कर लेती हैं। लेकिन पता नहीं मेरा ही ये सूट ख़राब होना था, क्या मैंने उनको स्टिच करने के लिए दिया और ये सूट बिल्कुल भी फिटिंग का नहीं सिला, मतलब बहुत ही बेकार फिटिंग है इस सूट की, तो मैं बाहर इसको पहन भी नहीं सकती हूँ, मतलब अजीब सा आता है। ये दोबारा भी फिट करा ले, लेकिन वो बात नहीं है इसमें जो शुरू में आ जाते हैं किसी कपड़े को बनने में। तो अब ये सूट मैं कभी कभी सिर्फ घर में पहन लेती हूँ, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा, बट अब तो ये घर में पहनने के उसमें रह गया पर्पज़ से ही। एंड आज सैंडी की पीटीएम है, तो मैं सैंडी के साथ जा रही हूँ उसके स्कूल, एंड वो बहुत एक्साइटेड है कि मेरी तारीफ़ें सुनना टीचर से।
पर क्या था, साइंस एग्जीबिशन लगा था, तो बच्चों ने कुछ मॉडल बनाए हुए थे, बहुत सारे थे बहुत सारे, लेकिन मैंने बस एक दो ही थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया कि हाँ इस तरह से बच्चे कर रहे थे कुछ कुछ चीज़ें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी, हमें भी देख कर ही सीखने को मिला कि बच्चे को बनाने को मिले तो हाँ इस टाइप के मतलब बच्चे बनाते हैं। एंड फाइनली बारी आ जाती। और मेरे बर्थडे गिफ्ट की बात रही, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे, तो शगुन मुझे ज़्यादा मिला था, जैसे जो भी फैमिली मेम्बर्स जो भी मेरे से बड़े हैं उन्होंने शगुन दिया था कि भाई अपनी पसंद से जो मन करे ले लेना, वैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो अपनी पसंद से चीज़ ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पर क्या है, हस्बैंड ने मुझे अब की बार मतलब कुछ गोल्ड का गिफ्ट मिला है। एक्चुअली क्या है कि ये उन्होंने पहले बनवा के रख दिया था, मतलब ये था कि अब तुम इसे बर्थडे का गिफ्ट मान लो या ऐसे ही मान लो, कुछ भी मान लो। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो रिंग थी ना, इसमें रिंग है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक्चुअली क्या है, जो मेरे पास रिंग थे ना, जैसे गोल्ड में होता है ना बिल्कुल डिज़ाइन, मतलब उस टाइप का था, जैसे कि एक तो कुछ उस टाइप की रिंग है जो पहले के टाइम में चलती थी है ना, और एक वो वाली होती है जो गोल्ड डिज़ाइन में चलती है, तो उस टाइप की, तो मेरे पास इस टाइप में नहीं थी, जैसे कि होता है ना रेगुलर में आप इस टाइप की पहन लो जैसे सिंपल से जो ये आपको वैरायटी दिख रही है, तो मेरा कुछ ऐसे का मन था कि हल्की सी हो जाए रेगुलर में पहनने के लिए, क्योंकि जो बाकी की रिंग है वो थोड़ा पार्टी वेयर है कि उन्हें हम पार्टीज़ में ही पहन सकते हैं, रेगुलर में तो वो नहीं पहनी जाती हैं, तो मैंने थोड़ा सा इस उससे ली है ये वाली रिंग। तो बस यही है कि हस्बैंड ने बोल दिया था अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तो मैं इसको एज अ बर्थडे गिफ्ट ही आपके साथ शेयर कर ये रही है मेरी हूँ। रिंग, ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट, कुछ इस तरह की है ये रिंग। और बस, और आज मेरी आँख लग गई थी दिन में बहुत ही देर के लिए, मैं पूरा 2 घंटे पूरा गहरी नींद में जाके सोई हूँ। पता नहीं शरीर कैसा हो गया है, जब पूरी सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें बनती है ना तो सच में बहुत खाया जाता है और नींद भी गहरी आती है, तो वैसा ही कुछ हुआ। और मैं बहुत देर सो गई थी, बच्चे यहाँ पे इनफेक्ट टीवी देख रहे थे, लेकिन नींद इतनी गहरी थी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो बस वही है, आज का दिन तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मैं बहुत कुछ सोच रही थी, रेसिपी भी सोच रही थी बट नहीं किया। चलो देखते हैं क्या क्या कैसे रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये लास्ट में आ जाता है हमारा हल्का डिनर, क्योंकि जब पूरी सब्जी खा लेते हैं उसके बाद मन करता है कि कुछ हल्का खाया जाए, तो आज खिचड़ी बनाई है, और हमारे यहाँ प्याज बहुत सारे रखे, प्याज रखे, लहसुन रखे, और हम सोचे नवरात्र आने वाले हैं तो इनको बस यही है उठा के एक साइड में पैक करके रखना पड़ेगा, पर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखे हैं तो चलो। और ये खिचड़ी से हमने आज अपने दिन का एंड किया, जो ये काफ़ी हेल्दी थोड़ा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।